तो भाई साहब चक्कर ये पड़ा कि मैंने टिकट करवाया था, अब वो कह रही थी जहाँ से लिया है वहाँ से करवाओ। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ से लिया था मैंने, यहाँ से करवाऊँगा। तो भाई साहब मैं यार उधर तो जब गुवाहाटी के लिए जो ट्रेन थी वो वाला तो मैं पकड़ नहीं पाया, क्योंकि यार इतना ज्यादा भीड़ था। आप लोगों को मैंने दिखाया था यार, स्लीपर का भी यार वही हाल था। तो मुझे तो जर्नल में जाना था, है ना। तो यार मैंने कहा कि यार इसमें जाऊंगा तो यार मारा ही जाऊंगा, इस करके मैंने ट्रेन कैंसिल कर दिया और टिकट पैसा वापस लिया, एक्सचेंज करवाया टिकट। अब मैं सोच रहा हूँ यार कि यार तमिलनाडु ही चल जाऊँ, है ना, चेन्नई से। तो देखता हूँ यार ट्रेन अगर जो होगी तो ठीक है, नहीं तो आज मैं यहीं पर रुकूंगा और कल आऊंगा। ठीक है, अभी मैं बैठा हूँ, अभी एक छोटा सा ढाबा तो नहीं, ढाबा कहेंगे पता नहीं क्या है, छोटा सा है रेस्टोरेंट एक हिसाब से मान लो। यहाँ पे बैठा हूँ यार, भूख लग गया था सवेरे तो खा कर ही आया था, पर अभी तो पेट का क्या कह सकते हैं, भूखा होता है जितना मर्जी लो वो खाता ही रहता है ना। तो खाना खा रहा हूँ, खाना खा कर फिर चलूँगा, 8 बजे की ट्रेन है यार, बहुत टाइम है मेरे पास। दिमाग खराब हो गया मेरा तो ज़्यादा। तो ये अपना खाना आ गया है भाई, अब खाना खा कर निकलेंगे, देखिए आगे का क्या होता है क्या मतलब। वैसे यार मेरा जब मर्जी जिधर का भी प्लान बन सकता है यार, गुवाहाटी का मैं सोच रहा था फिर वहां का कैंसिल करते कि अब चेन्नई जाऊंगा, जहां तक मतलब बढ़िया मिलता है ट्रेन वहां ये और तक। ठीक है, तो भाई साहब इधर से मैं आ रहा था, मुझे वैसे इसका पता चल गया जर्नल कोच का। तो भाई साहब ट्रेन मिल गई है जो कितने 11:15 पे चलेगी, है ना। ग्यारह पंद्रह पे ऐसे यहाँ पे बता रहा है। तो मैं हूँ अभी राजेंद्र नगर टर्मिनल ही है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ से कामाख्या, और ये ट्रेन जाती है 40 स्टेशन होकर जाती है। ये जाएगी न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी जाएगी, और सही है मिल गया ट्रेन। अब मैं वहाँ से जाऊँगा, कामाख्या से उतरूँगा, फिर मुझे जाना है सिलचर, सिलचर से फिर आपको फिर मिजोरम लेके चलूँगा, मिजोराम से देखते हैं उधर तक क्या सफ़र रहता है। तो अब चलिए मिलते हैं हम ट्रेन के अगले सफ़र में, और कल फिर इतने बजे ही कामाख्या में उतरूँगा। ठीक है, सही है, अभी तो फिलहाल सही है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा, हालांकि भीड़ बढ़ता रहेगा और जर्नल है तो ठीक है। भाई साहब नीचे लड़ाई हो गई है, है? तो भाई साहब मैं आ गया हूँ जब स्टेशन ही कहेंगे, स्टेशन है, और पटना से चल के सीधा मैं आया हूँ। 11 बजे चला था तो हो गया 11 से मान लो 7-8-9 घंटा मैं, हालांकि मैं शायद सोया नहीं हूँ यार, पर सही है नज़ारा सही है, क्योंकि यार वो ही कहते हैं सोया क्यों नहीं, क्योंकि लोग सही कहते हैं कि बांदर के हाथ में, वैसे ही है मुझे हाथ में मिल तो गया सीट पर मैं सोया नहीं। ठीक है, चना वाला आया कुछ खा लेते हैं।
साहब जर्नल कोच में ट्रैवल करते हुए एक दिन आज पूरा बीत गया। पटना से मैं रजिंदर टर्मिनल नगर गया, वहाँ से मैंने गुवाहाटी की ट्रेन पकड़ी, कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस। और अभी तक मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ मुझे खुद नहीं पता, मैं अभी चेक करके बताता हूँ अभी कहाँ पे हूँ। ठीक है, तो मैं पहुँचा हूँ अभी अलीपुर दुअर जंक्शन, और ये है राजेंद्र नगर टर्मिनल से लगभग कामाख्या की दूरी 953 किलोमीटर। ठीक है, और इसका यार मैं चाल बताऊँ तो बहुत बुरा है, हालांकि अभी पूरा खाली है। आपको दिखाता हूँ ये कौन सा खेती है, ये पान जो नहीं होता है, जो पान का खजूर जो होता है वो है। और इसका ट्रेन का चाल बहुत ज़्यादा खराब है यार, इतना धीरे धीरे चलता है कि यार हालत खराब हो गया है। मुझे हमको पहुँचाना था कहाँ पे, पटना से कांग्रेस पार्टी वहाँ पे भी पटना से उतने पहुँचाना था, इतने 10 बजे मतलब 10:30 में पहुँचाना था। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, अब बोलो कम से कम 9-10 बजे वहाँ पे पहुँचा, इतनी समस्या इतना लेट है। लोग की दरअसल बहुत चले थे यार शुरू शुरू में, अभी तो ठीक है, ऐसे बहुत चले थे। इसका हाल बताऊँ आपको, जनरल कोच का बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है तो ये देखो भाई कितना हाहा कर यहीं पर खींच दिया है, दिखाना तो नहीं चाहता पर हाल है, जनरल का क्या हाल है ये देखो भाई पूरा। आप देखोगे ना बाथरूम वाथरूम पूरा गंदा कर दिया है ये भाई साहब। और नहीं दिखाना चाहता यार, मुझे जाने में भी शर्म आ रहा है उसमें। ये देखो यार चाय का बगान, अभी भाई साहब पूरा खाली है, पूरा का पूरा खाली है। ये देखो यार चाय का बगान भाई साहब बढ़िया है, खाली खुली हो गया है अभी फिलहाल तो। खाली है यहाँ पे बैठा था मैं अलग, अभी पूरा का पूरा खाली है, यहाँ पे पहले बैठा था इतना ज़्यादा भीड़ था तो। अरे यार शुरू शुरू में लोकल लोग चले हैं ना इस कारण, अभी जो जाने वाले लोग तो वाले ही हैं ज़्यादातर, अभी लोकल हैं थोड़े बहुत ज़्यादा। ये ट्रेन चार्टी उतरती है सुपर फास्ट कहेंगे तो गलती कहेंगे, क्योंकि ये इसका चार पैसा है। ठीक है, मुझे तो लगा था कि भाई वो ढकेल नहीं लगा मुझे, इस करके डर गया यार। भाई साहब वो देख रहे हो यार कितना बढ़िया यार नजारा है, यार मुझको तो यही नहीं हाथ नहीं मारा बकरी बकरी। और तेरी धुआं मार रही है ट्रेन, you
तो भाई साहब अभी पहुंचे हैं हम अलीपुर जंक्शन, देख सकते हो ये मौसम देखो यार कितना बढ़िया हुआ है यार, बहुत बढ़िया यार मौसम हुआ है इधर का तो। ये देखो यार कितना बढ़िया व्यू है यार, मज़ा ही आ गया मुझे तो आज। सनसेट हो रहा है, ठीक है। ओ भाई साहब ये यार नज़ारा आप लोगों ने कहीं भी नहीं देखा होगा। अरे भाई यार मेरे आंखों के सामने यार इतना खूबसूरत, इधर से इधर बहुत ठंडी है ना, बहुत ज्यादा यार मतलब उधर से, इस करके तो मैं आया था यार, इतना कपड़ा हो गया था यार पहनना जरूरी है, इधर हल्का कर लूंगा बैग पहन कर, इतनी ठंडी है जी में तो और ज्यादा ठंडी होगी बहुत ज्यादा उधर बिहार मतलब प्लेन एरिया में मानो, उधर अभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि अभी मैं आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा यार इधर तो आके थोड़ा मौसम ही चेंज हो गया, इस वक्त उधर से कोई आएगा तो बीमार भी पड़ जाएगा, जैसे अंकल ही एग्जाम्पल है। इनको भी खांसी जुकाम हो गया क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, दांत कैसे चेंज होते हैं, दांत कैसे होते हैं। भाई साहब मैं आ गया हूँ कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस गाड़ी से, गाड़ी नंबर था 13248, ठीक है। तो अभी आया हूँ यार जस्ट कितना 10 मतलब 11 बजे के मैं करीब आया हूँ, और आधा घंटा इतना इधर उधर में ही लग गया है। अभी मैं खा रहा हूँ चिप्स, उसके बाद जाएंगे कल अब सवेरे होकर फिर जाएंगे घूमने की ओर, अब मंदिर मंदिर में जाएंगे, मंदिर घूम कर फिर गुवाहाटी की ओर प्रस्थान करेंगे, वहाँ से फिर सिलचर से मिजोरम। तो ठीक है, वैसे मैंने सोचा था कि यार यहाँ पे अगर जो ट्रेन रुकती है लास्ट यहाँ पे, तो यार आ गया हूँ तो यार दर्शन भी कर लूँ, है ना, ये भी बात है। तो चलो ठीक है, खाता हूँ और फ्रेश फ्रूश यहाँ से होकर फिर निकलूँगा मैं कल आज सवेरे।